नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं माय फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों आज हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रास्टराइज इमेज और वेक्टर इमेज, ये दो टाइप की इमेज रहते हैं। रास्टराइज इमेज हमेशा हम फोटोशॉप में यूज करते हैं और वेक्टर इमेज हम कोरल ड्रॉ या फिर अलग कोई सॉफ्टवेयर रहता है उसमें यूज होता है। और फोटोशॉप में हमेशा रास्टराइज इमेज में ही काम करना पड़ता है और वो पिक्सल बेस रहती है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो फोटोशॉप ने हमें दिया है। उसमें क्या होता है दोस्तों कि उस इमेज के जितने भी सारे पिक्सल है स्मार्ट ऑब्जेक्ट की वजह से वो सारे पिक्सल लॉक हो जाते हैं और लॉक होने के कारण आप अपनी जो भी इमेज है, चाहे जितने भी बड़ी करो चाहे जितने भी छोटी करो, उसका क्वालिटी लॉस नहीं होता। तो चलिए फिर देखते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं। उसे यूज करने के लिए यहाँ पे हम एक ब्लैंक बैकग्राउंड लेंगे। यहाँ पे हम एक इमेज लेके आएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी ओरिजिनल इमेज है। इस इमेज को हम यहां से यहां ड्रैग करेंगे इस बैकग्राउंड में। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे अभी रास्टराइज लेयर थी। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का यूज करने के लिए हम इस इमेज का डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे। यहां से हम कंट्रोल जे करेंगे, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। पहले लेयर को हम पिक्सेल नाम देंगे क्योंकि ये हमारी पिक्सेल से बनी हुई इमेज है, और दूसरी इमेज को हम नाम देंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे दो तरह से लेके आ सकते हैं। यहाँ पे लेयर पैनल में राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट या फिर फिल्टर ऑप्शन में कन्वर्ट फॉर अ स्मार्ट फिल्टर। तो हम कोई भी एक ऑप्शन यूज करके उस इमेज को हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। या हम यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं इस इमेज को एक अलग तरह का एक आइकॉन यहाँ पे आ गया है। जब जैसे ही हम इस इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो इस इमेज में इस तरह का आइकॉन बन जाता है। अब हम इस पिक्सल वाली इमेज को बहुत छोटा करेंगे, सबसे छोटा करेंगे और एंटर करेंगे, और हमारी जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली इमेज है उसे भी हम छोटा करेंगे और एंटर करेंगे। अब हमें उस इमेज को बड़ा करना है तो हम जैसे करते हैं वैसे ही उसे लार्ज करेंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट की इमेज को भी हम अभी बड़ा करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों आप, जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट की इमेज थी उस इमेज को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। जो इमेज पहले शार्प थी वो सेम अभी भी शार्प ही लग रही है, लेकिन जो पिक्सल से इमेज थी, पिक्सल से बनी हुई इमेज जो रास्टराइज इमेज थी, हमने जैसे ही उसे बड़ा किया उस इमेज की क्वालिटी लॉस हो गई है। हम चाहे तो इस इमेज को बड़ा करेंगे और एंटर करेंगे और वापिस से इस भी इमेज को बड़ा करेंगे और एंटर करेंगे। देखो दोस्तों, हम इस इमेज को इतना बड़ा किया है फिर भी इस इमेज की क्वालिटी लॉस नहीं हो रही। हम इस इमेज को वापिस से सेम पोजीशन पर ला के रखते हैं और एंटर करते हैं। इस इमेज को भी सेम पोजीशन पर ला के रखते हैं। देखो, जो पिक्सल से बनी हुई इमेज थी, जो रास्टराइज इमेज थी, उस इमेज को हमने दो बार छोटा किया, दो बार बड़ा किया, और इस इमेज को भी हमने सेम वैसे ही प्रोपोर्शन में छोटा और बड़ा किया, फिर भी इसका क्वालिटी लॉस नहीं हुआ। आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को एक अलग तरह का एक लाइनिंग, क्रॉस लाइनिंग आ गई है। ये क्रॉस लाइनिंग मतलब फोटोशॉप ने इस इमेज के जितने भी पिक्सल थे वो सब लॉक कर दिए हैं।
इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस इमेज को कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी क्वालिटी लॉस नहीं हो रही। तो इस तरह से स्मार्ट ऑब्जेक्ट आप यूज़ किया करो। फोटोशॉप ने यह हमें एक बेहतरीन और बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट की वजह से आपकी इमेज हमेशा से खूबसूरत रहेगी और शार्प ही रहेगी। दोस्तों, स्मार्ट ऑब्जेक्ट को यूज करने का एक नुकसान भी है और एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा यह है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट फिल्टर लगाने से आपकी इमेज हमेशा से शार्प रहेगी, आपके पिक्सल लॉस नहीं होंगे। और नुकसान यह है कि अगर उस इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फिल्टर लगा है तो फिल्टर ऑप्शन में से बहुत से ऐसे फिल्टर है वो डिजेबल हो जाएंगे, आप उस पर वर्क नहीं कर सकते। इसलिए पहले उसे आपको रास्टराइज करना होगा। रास्टराइज करने के लिए आपको यहाँ से राइट क्लिक करके रास्टराइज लेयर, जैसे ही आप रास्टराइज करेंगे आपके इमेज में ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकॉन चला जाएगा और आपकी इमेज वापिस से पिक्सल बेस्ड रास्टराइज लेयर बन जाएगी। आप जैसे ही इसको छोटा और बड़ा करेंगे इसकी क्वालिटी लॉस होने लगेगी। तो ये था इसका नुकसान। दोस्तों, अगर आप उस इमेज पे जो भी करेक्शन करना चाहते हैं या फिर कोई भी फिल्टर लगाना चाहते हैं तो पहले वो सब काम कर लो, फिर उसके बाद आप अपने इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन या फिर वो फिल्टर लगा दो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद।